हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज हम पूरा दीव घूमने वाले हैं, तो जुड़े रहे हमारे साथ। पहले हम दीव के किले को घूमने वाले हैं, जो बस स्टैंड से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। जब आप दीव के किले की तरफ जा रहे होंगे, तब रास्ते में आपको इंडियन नेवी का लड़ाकू जहाज देखने को मिलेगा। अभी इस जहाज को म्यूजियम बना दिया है। अगर आप यहाँ आते हैं तो इसकी मुलाकात जरूर लें। हम तो यहाँ सुबह बहुत ही जल्दी पहुँच गए थे, अभी तक यह खुला नहीं है। यह जहाज की इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। अब हम जाएंगे दीव के किले की तरफ, तो मिलते हैं सीधे किले के पास। तो हम पहुंच चुके हैं किले के पास। किले को घूमने के लिए यहाँ पर किसी भी प्रकार की आपको टिकट की आवश्यकता नहीं है, बिना पैसे के आप घूम सकते हैं। तो चलते हैं। यहाँ पर दो तोप पड़ी है, ठीक उसके सामने ही आपको कुछ बिल्डिंग दिख रहा होगा। मैं आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ। यह द्वीप की जेल है, जो समुद्र के बीच में है। यह किले का दरवाजा है। हम यहाँ से अंदर की तरफ चलते हैं। दरवाजे से अंदर आते ही आपको यहाँ पर बड़ा सा कैंपस देखने को मिलेगा, जहाँ पर पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन भी लिखी है किले के बारे में, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। चलते हैं। यहाँ पर किले की इन्फॉर्मेशन और किले का मैप है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। इस किले पर अजय देवगन की कयामत मूवी की भी शूटिंग हुई थी, वो जगह भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ऐसी किले पर कई तोपें लगाई गई है, जो समंदर के रास्ते दुश्मनों आते हैं उससे लड़ने के लिए है। यहाँ पर भी कुछ तोपें पड़ी है, लगता है यहाँ पर हथियार रखते थे। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, लगता है यह बिल्डिंग बना है उस टाइम का है। मैं जो
आसमान जन्नत कर। अजय देवगन की कयामत मूवी भी यहाँ पर शूट हुई थी इसी जगह पर। यहाँ से पूरा किला दिखता है, मैं आपको पूरा किला दिखाता हूँ। ये देखिए ये पूरा किला है, क्या शानदार नज़ारा है। एक साइड समुंदर है तो एक साइड किला। इस वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।